अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ पुलाव की रेसिपी। बीफ पुलाव किसको पसंद नहीं होता, सबको बहुत पसंद होता है। तो उसके लिए हमने ले लिया है ये 1 किलो गोश्त, ये पुट और रान दोनों चीज दोनों का गोश्त है, ठीक है। इसके अंदर डाल रहे हैं हम 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके साथ अब हम जो इसमें स्पाइसेस डालेंगे, उसमें है ये प्याज, लौंग, काली मिर्च का आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, गरम मसाले जितने यूज़ होंगे उतना टेस्ट अच्छा होगा। तो मैंने तकरीबन 8 लौंग ली थी, 8 ही काली मिर्च ली थी, ठीक है। 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है। मुझे भर भर के मैंने लिया है धनिया, साबुत धनिया। 2 चमचे ही मैंने सौंफ लिए है। 1/2 चमचा लिया मैंने ज़ीरा भर कर, ठीक है, आधे से ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप। और दालचीनी ली है 3 से 4 अदर, उसके अलावा थोड़े से बादियान के फूल लिए हैं, वो भी टूटे टूटे से रखे हुए थे, सही है। अब हम ये डाल कर इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पर, और उसके बाद जो है वो जैसे ही गोश्त गलेगा उसके बाद हम आपको जो है वो पुलाव का प्रोसीजर बताएंगे। हमने तमाम मसाले इसमें डाल दिए हैं, साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसका जो है वो ढक्कन ढक देंगे, और जैसे ही गोश्त गलेगा उसके बाद हम आपको पुलाव का तरीका बताएँगे जी। तो अब हम चेक कर रहे हैं अपने गोश्त, बहुत अच्छे से गल चुका है हमारा, सही है पुलाव का। तो अब हम हल्का सा जो है वो छान देंगे, और उसके बाद हम मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे जी। तो अब हम पुलाव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने लिए 1 अदद प्याज, और इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल हम लेंगे 4 चमचे हमने ले लिया है ऑयल। उसके बाद हम देख लेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऑयल डाल देंगे इसमें, ठीक है। जब तक प्याज हमारी हो रही है गोल्डन ब्राउन, उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसीजर बताते हैं जी। तो हम इस स्टेज पर जो है वो डाल देंगे गरम मसाला, जो कि हमने लिया है 3 तेज़पात, बादियान के फूल, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा और बड़ी इलायची। हम अच्छे से गर्म मसाले के साथ भूनेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होती है तो फिर उसके बाद हमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हमारी प्याज हो चुकी है गोल्डन ब्राउन, इसके अंदर हम डालेंगे 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, और साथ ही साथ अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपना रखा हुआ जो हमने पुलाव का गोश्त था। साथ ही साथ इसमें हम पुलाव बिरयानी मसाला ऐड कर रहे हैं, जो कि बहुत मज़े का होता है, आप भी ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। अब साथ ही साथ अब हम इसको दही से भून लेंगे। हमने स्टेज पर डाल दिया है इसमें दही, और दही के साथ अब हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे नमक 1 चमचा, इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे नमक 1 चमचा, और बाद में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि ये जो बाहर के मसाले होते हैं ना, इसके अंदर ऑलरेडी नमक तेज़ होता है, इसलिए अब हो जाए तो इसलिए हाथ रोक रोक कर नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जी। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें 6 अदद जो हमने वॉश करके रखी हुई थी, और 2 अदद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद इसमें जो यखनी हमने तैयार की थी वो हम इसमें शामिल जी। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल रहे हैं यखनी, जो कि हमने बना के रखी हुई थी। अब इसमें जैसे ही जोश आता है तो उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं चावल, जो कि हमने भिगो कर रखे हुए थे, इसमें डाल रहे हैं। अब हम करेंगे चावलों को बहुत अच्छे से ऊपर नीचे, सही है। हमने चावल डाल के इसको बहुत अच्छे से कर दिया ऊपर नीचे। अब जैसे ही जोश आएगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर उसके बाद हम इसको देते हैं दम, क्योंकि राइस काफ़ी देर से जो है वो भीगे हुए थे जी। तो अब हम देंगे इस चावल को दम, हल्का सा ड्रॉप हम डाल देंगे एसेंस का, उससे खुशबू अच्छी हो जाती है इसकी। और साथ ही साथ अब हम इसमें डाल देंगे पुदीने के पत्ते, सही। और अब हम इसको ढक्कन को जो है वो ढक देंगे, और इसके बाद अब आप देखेंगे इसका फाइनल लुक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन पुलाव जो है वो हो चुका है रेडी। अब हम आपको इसको निकाल के इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाएंगे। जी तो ये है हमारे पुलाव की फ़ाइनल लुक। आप भी ट्राई करें और बताएं कि आपको पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।